सर आप हमको ये तो समझा दो बस, कानून के माध्यम से बताया करो कि कानून जी वानून देख के पढ़ के आया करो, पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, आप कानून बताते नहीं हो, जी कानून तो बताया करो भाई कि किस आधार पर आप परिवाद प्रस्तुत कर दिए। परिवाद प्रस्तुत करने का कोई कानून तो का आधार तो होना चाहिए ना। मेरे अब हाई कोर्ट में सीधा सीएनएमपी फाइल कर दिए, कास्ट लगा के डिसमिस कर दूंगा तो क्या होगा? मैं साथ में याचिका तो आप करूंगा। दो वो अपने वकील रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं पहले बता दीजिए कि इन पर्सन आप लोग बहस करेंगे। नहीं, वकील साहब को तो रखे थे सर। नहीं वो रखे हो कि नहीं, आप अपियर हो रहे हैं कोर्ट में जी तो आप अपियर होंगे कि आपके लॉयर अपियर होंगे बता दीजिए। नहीं, लॉयर के साथ सर नहीं बार साथ में नहीं होगा ये कोई आपके आपके डाइनिंग रूम में थोड़ी मैं है कि बता 10 लोग चर्चा पूरे केस को करेंगे। बता सकता हूँ सर, मैं किस तरीके से ये। रिप्लाई के लिए लास्ट टाइम टाइम लिए थे 2 वीक्स का, अभी तक फाइल नहीं की रिप्लाई। क्या है भाई? चलो अच्छा, ये चैलेंज दी रिविजनल ऑर्डर लॉ अर्लियर ही हैज फाइल दी 156, द सेम वाज डिसमिस एंड अगेंस्ट व्हिच ही हैज फाइल रिविजन एंड आल्सो द रिविजन वाज डिसमिस योर लॉ अगेंस्ट दैट ही हैज प्रिपेयर्ड दिस कोर्ट। यस सर। सो व्हाई द ट्रायल कोर्ट हैज रिजेक्टेड द 156(3) लॉ चिप लॉ क्या बोलते हैं मिस्टर विश्वास? मिलोट फर्स्ट जो ये किए थे वो बोले कि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, जो अपराध हुआ है वो भिलाई में परिवार लाए थे तो उनके जुरिडिक्शन में। अपराध कहाँ पे हुआ था? मिलोट एक केस ऐसा है कि हाई कोर्ट में एक इन लोग अप्रेंटिस भिलाई स्टील प्लांट में अप्रेंटिस कर रहे थे इन लोग का, और इन लोग उस टाइम डायरेक्ट इनका भर्ती होता था रोजगार कार्यालय के माध्यम से, फिर बाद और जो अप्रेंटिस कर लिए फिर लिस्ट के हिसाब से इनका रेगुलर अपॉइंटमेंट होता था। बाद उसमें फिर बाद में एक संजय ये पिटिशनर है, उसने हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया कि इसको ओपन भर्ती किया जाए, रोजगार कार्यालय के माध्यम से ना करके ओपन भर्ती किया जाए, यहाँ हाई कोर्ट में एक किए। और उसमें फिर बीएसपी की तरफ से ओएसडी जो ओआईसी है ना, उसने नो ऑब्जेक्शन का यहाँ पर ये दिए हाई कोर्ट में लिखित में दिए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है उनके। लेकिन हुआ क्या था, जो ओआईसी था वो फर्जी था, उसको नियुक्त ही नहीं किया गया था इसके तरफ से, मतलब बीएसपी की तरफ से वो नियुक्त ही नहीं था। और तो उसी के ये में ये यहाँ पर ये जो अपराध हुआ है तो उसके के लिए हम वहाँ भिलाई में ये किए परिवाद लाए, तो उन्होंने बोला कि अपराध मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट के अंदर ये हुआ है। ये बताओ आप रिट पिटिशन में क्या हुआ? पिटिशन डिसमिस है, पेंडिंग है। वो रिट विड्रॉ हो गया था। और विड्रॉ हो गया था क्योंकि बीएसपी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्या बीएसपी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमको कोई आपत्ति नहीं है कि ओपन भर्ती हो जाए, तो ओपन भर्ती होने से जो अप्रेंटिस किए हुए थे उन लोग पर इफेक्टेड हो गए, उन लोग का फिर वो नियुक्त नहीं हो पाया सर। और ओपन भर्ती में ऑल इंडिया बेस में बाहर के कैंडिडेट उनका ये हो गया, तो हम भी यहाँ के लोकल वाले जो हम तो लोग आप क्या लगाए 400 BC का क्या लगाए? 400 BC के ये लगाए कि मिलोट जो ये जो यहाँ पर केस दायर किया था हाईकोर्ट में वो फर्जी इंसान था, उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कोई हाईकोर्ट में केस दायर नहीं किया। और उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया लेकिन स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड है उससे तो पहले पड़ी बात भाई, भाई जब आप ये बताओ पिटीशन कौन फाइल किया था हाईकोर्ट में जो जिनका डेथ हो गया मिलोट, तो उसे जब जो डेथ हो गया मिलोट तो जो मर गया जिसने में अपराधी तो मेन वो था नहीं, तो उसने एक ये कर दिया पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। आप इसे इस पिटीशन से क्या चाल क्या चाहते हो? 420 में क्या किसको सजा दोगे? जिन्होंने यहाँ बीएसपी के तरफ से फर्जी तरीके से वो शपथ पत्र दिया था कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको उससे क्या तकलीफ है भाई? जिसको 400 वो बीएसपी जाने की आपको क्या आपको लोगों से नहीं, तो हम इफेक्टेड हो रहे हैं ना मिलोट, कैसे हमारा हम अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ भाई? बीएसपी की तो अपनी किसी की एफिडेविट देने से पॉलिसी होती है, क्या पॉलिसी क्या है बीएसपी की ये बताओ। नहीं तो बीएसपी उस टाइम वो बोल दिया कि उस टाइम बोलने से नहीं होता, पॉलिसी क्या कागज बोलता है, भिलाई स्टील प्लांट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है मिलोट, तो वहाँ पे किसी की एफिडेविट थे देने से कुछ होता है क्या? नहीं तो क्या पॉलिसी क्या बोलती ये तो बताओ पहले आप। नहीं पॉलिसी पहले यह था कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से पॉलिसी पेश किया था क्या आपने, बताइए जरा मिलोट, आपके बोलने पे हम कैसे मानेंगे, आप पॉलिसी बताइए मिलोट। इसमें लगा हुआ मिलोट फाइनल हियरिंग के लिए नहीं, फाइनल हियरिंग के क्या आप कितने दिन तक ब्लैकमेलिंग करोगे आप? तो इन लोग रिप्लाई देने के लिए टाइम नहीं है। अरे रिप्लाई छोड़ इनकी टाइम की मत चिंता करो, आप अपनी बताओ ना, जब हम आपसे संतुष्ट होंगे तब तो इनसे पूछेंगे ना मिलोट। आप अपनी बताओ फाइल में कहाँ पे रिप्लाई है, पॉलिसी क्या थी इनकी, ऐसे कैसे एफिडेविट में कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाएगी कुछ भी, बताओ तो सही मिलोट।
मिलोट उसको पेश करते हैं, मिलोट पेश क्या ऐसा करते हो भैया आप लोग केस में? मिलोट सर इट्स अ वेरी फॉल्स केस, मे बी पेज नंबर 39 में भी सीन। यस इसमें सर लिखा हुआ है 156 में जो ऑर्डर हुआ सर परिवादीगण के अनुसार श्री लाल परते के माध्यम से अभियुक्तगण ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया चुनौती दी गई थी, परंतु श्री लाल परते के अनुसार उसने कोई याचिका दायर नहीं की। अभियुक्तगण ने श्री लाल परते के हस्ताक्षर कोरे पन्ने में उसे माध्यम से बनाकर भर्ती प्रक्रिया चुनौती दिया। यही इनका एलिगेशन है सर। सर रिट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, अगर कोई एलिगेशन फॉल्स एफिडेविट दिया है तो वो परजरी में जाएगा सर, 156 में नहीं जाएगा सर। श्री लाल परते ने कंप्लेंट नहीं फाइल करी। श्री लाल परते जिनकी रिट पिटीशन थी और जो डिसाइड हुआ उन्होंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी और ये पार्टी नहीं थे उस केस में। तो आपकी 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 लोगों की स्टैंडिंग कैसी होगी? वही तो उसका बड़ी बात में उसका स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट के बाद अरे स्टेटमेंट की बात छोड़ो और उसके बाद उसका एक्सीडेंटल अरे वो सब से कोई कहानी नहीं। आप ये बताओ कंप्लेनेंट जब वो कंप्लेनेंट कौन बनेगा? आपको क्या लोगों की स्टैंडिंग है? आपकी लोगों की स्टैंडिंग पहले हमको समझाओ भाई, आपको कंप्लेंट फाइल करने का वाद दायर करने का क्या हक है? हमको बिना सुने हम इफेक्टेड आप इफेक्टेड हो गए तो आप अपनी पिटीशन फाइल करो, यू फाइल अ सेपरेट पिटीशन। सर और उनकी रिट पिटीशन पेंडिंग है। पेंडिंग है इनकी रिट पिटीशन जो है, इन्होंने सीजीआईटी में गए थे वहां से रिजेक्ट हो गई। जो इनका कहना है जो बंच था जो अप्रेंटिस थे उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि अब जो आप अप्रेंटिस को ट्रेनिंग देते थे अपने यहाँ रख लेते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते नहीं थे। और अप्रेंटिसशिप का कानून क्या कहता है मालूम है आपको? कोई अधिकार नियुक्ति नहीं मिलती। तो वो रिजेक्ट हो गई, इन लोगों की पिटीशन जो सीजीआईटी से है जबलपुर से रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद वो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है ऑलरेडी। फिर कहाँ है पंचायती कर रहे हो? नहीं जो फर्जी तरीके से फर्जी तरीके से वर्क कर नहीं, आप अपने लोकल स्टैंडिंग बताओ। मिलोट इसमें लोकल स्टैंडिंग बताओ मिस्टर विश्वास फर्स्ट। नहीं वही बता रहा था मिलोट कि हम इफेक्टेड पार्टी है। इफेक्टेड को कैसे लोकल परिवाद प्रस्तुत करेगा? नहीं तो ये दो लोगों के आप ये बताओ, दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा है, एक ने झूठा एफिडेविट दिया उसको तकलीफ होगी, आप कौन हो, तीसरे आदमी स्ट्रेंजर, आप हमको ये तो समझा दो बस। कानून के माध्यम से बताया करो, कोई कानून वानून देख के पढ़ के आया करो, पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं आप लोग कानून बताते हो नहीं हो, कानून तो बताया करो भाई कि किस आधार पर आप परिवाद प्रस्तुत कर दिए। परिवाद प्रस्तुत करने का कोई कानून तो का आधार तो होना चाहिए ना। अब हाई कोर्ट में सीधा सीआरएमपी फाइल कर दिए, कास्ट लगा के डिसमिस कर दूंगा तो क्या होगा? और जबकि ये फैक्ट बता रहे हैं कि ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दिया आपने चैलेंज करते हुए, फाइल कर दीजिए एफिडेविट, एफिडेविट के माध्यम से फाइल कीजिए मिस्टर जैन। नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर शीट, नो एवरीथिंग शुड बी ऑन एफिडेविट। जी आपने रिटर्न नहीं पेश किया? नहीं उसमें सर मैंने, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी नहीं थी, नीचे नोटिस नहीं हुआ और कंप्लेंट इसमें नहीं है, तो हमने कंप्लेंट की कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ है कि हमारे खिलाफ एलिगेशन क्या है। इसमें रिट पिटीशन का नोटिस मिलने के बाद हमें कंप्लेंट नहीं मिल पाई है। दे दीजिए इनको कॉपी, रजिस्टर्ड केस था, कॉपी दीजिए पूरी। इसमें पिटीशन में फाइल किया आपने कॉपी? नहीं कंप्लेंट की जो वन क्यों नहीं फाइल किया इसमें आप रिकॉर्ड क्यों नहीं फाइल किया कंप्लेंट? इसको ऑर्डर की कॉपी फाइल ऑर्डर की कॉपी से नहीं होगा, कंप्लेंट क्या थी आपकी नीचे बताओ। मिलोट ये डेंगे की जांच की ओपिनियन ये सब फालतू फर्जी वाला है, जो काम करना है वो करने से नहीं है। आप ये बताओ कैसे क्या कंप्लेंट कॉपी दो इनको कंप्लेंट की आप। मिलोट और लोकल स्टैंडिंग बताइए कैसे आपकी पिटीशन मेंटेनेबल है। मिलोट और 156 का कानून क्या बोलता है जबरदस्ती? और रिट पिटीशन आपने इसमें लिखा है कि मैंने ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल कर दी है या सीजीआईटी में डिस्प्यूट रेज किया, ऐसा लिखा है क्या? मिलोट लिखा है कि नहीं पहले बताओ। ये 156(3) के खिलाफ। अरे इसमें लिखा है क्या कि और हमने सर्विस मैटर को डिस्प्यूट करते हुए भी पिटीशन वगैरह फाइल किया है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? इसमें तो जो डीजे ने खारिज किया उसी को चैलेंज करते हुए आए हैं। लिखा है क्या आपने कहीं? इसमें तो इसमें नहीं आया होगा मिलोट, इसमें मैंने 156(3) के खिलाफ आया। 156(3) के बाद की बिल्कुल ठीक है, 156 कैसे होगा? मिलोट हमारा परिवाद दर्ज होना चाहिए। परिवाद पद की कॉपी भी नहीं लगाया आपने जी, उसको जो खारिज किया है उसको दिए हैं। कॉपी कहाँ लगाया आपने परिवाद की बताओ? इसमें P1 जो खारिज किया है मिलोट है और P2। अरे वो पिटीशन की नहीं कंप्लेंट की कॉपी तो बताओ। मिलोट उसको पेश कर देते हैं मिलोट। और जब आपको ये 195-340 बोल रहे हो तो यहाँ पे कैसे होगा ये सब चीज़ें? आपका तो 482 में ये सारी चीज़ें क्यों आएंगी?
आप कौन है? पिटिशनर है। पिटिशनर नहीं, परमिशन है तो फिर लॉयर आपका उपस्थित नहीं होगा। दोनों में से एक ऑप्शन बताइए। नहीं, पिटिशनर अपियर होगा या लॉयर अपियर होगा, बता दीजिए। मिलोट, मैं विड्रॉ करता हूँ पावर, इनको बोलने। ठीक है, आप अपना मिस्टर विश्वास की पसंद नहीं डालेंगे फिर। बोलिए, अब हर केस में आप इन पर्सन ही अपियर होंगे। सर, इसमें जो आप न्यायालय ने पूछा है कि इसमें बताया गया क्या डब्ल्यू पी फाइल के यहाँ, यस सर बताया हमने। कहाँ लिखा आपने इसमें? सर कहाँ लिखा है इस पिटिशन में, कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? लिखो दी पिटिशनर इन पर्सन। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। सर, इसमें दुर्ग न्यायालय में चला था मामला। तो अरे आप सब समझ गए। आप ये बताओ, आपने लिखा है क्या कि सीजीआईटी में भी आपने अवार्ड से, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। सीजीआईटी में भी गए थे सर। तो कहाँ लिखा है आपने पिटिशन में? लिखे हैं सर इसको, कहाँ लिखा है बता दीजिए। हम आपसे 6 बार पूछ चुके हैं सर। थोड़ा सा मैं केस के बारे में बता दूँ? नहीं, केस के बाद जो हमारे प्रश्न का जवाब पहले दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे। जो पावर ऑफ अटर्नी को लेकर सर, अरे हम आपसे जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दीजिए। लिखे थे सर हम लोगों ने। और ये जो सी पी सिंह के, जो संतोष सिंह है और अन्य है, इसमें आप किसके लिए अपियर हो रहे हैं? किसके लिए अपियर हो रहे हैं आप? ये सर, ये जो संतोष कुमार सिंह इन पर्सन अपियर होगा। कुलदीप सिंह कौन है? मेरे साथ में याचिका। तो आप दो वो अपने वकील रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं पहले बता दीजिए, कि इन पर्सन आप लोग बहस करेंगे? नहीं, वकील साहब को तो रखे थे सर। नहीं, वो रखे हो कि नहीं? आप अपियर हो रहे हैं कोर्ट में जी, तो आप अपियर होंगे कि आपके लॉयर अपियर होंगे, बता दीजिए। लॉयर के साथ सर मैं नहीं, साथ में नहीं होगा ये कोई आपके आपको डाइंग रूम में थोड़ी है कि 10 लोग चर्चा करेंगे। इसको बता सकता हूं सर मैं किस तरीके से, ये मतलब न्यायालय से, उच्च न्यायालय से छल करके सर हमको क्षति पहुंचाया गया है। आपको जो पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दो पहले। यस सर। आपको वकील साहब को रखना है कि नहीं रखना है? नहीं सर, रखना तो है। तो फिर वही वकील साहब बात करें, जो भी करना है उनके घर में जाके समझाइए जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है फिर। यस सर। थोड़ा सा सर मैं रिक्वेस्ट था सर मेरा। नहीं, आप पहले अपना पहले तय करके हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपने पहले उसमें लिखा है क्या कि ये केस सर माननीय, मैं ही बताना चाहता हूँ सर, न्यायालय को इन पर्सन बता देता। हाँ, वकील साहब नहीं आएंगे फिर आपके? जी सर। दोनों जन की तरफ से? जी सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए जितना बोलना। ये सर एक ऐसा केस है सर, माननीय उच्च न्यायालय से छल पूर्वक एक रीट लगवाया गया एक व्यक्ति को खड़ा करके, और जो कि सर उसके लिए एलिजिबल भी नहीं था वो, क्योंकि वो 97 में एग्जाम दे चुका था भिलाई स्टील प्लांट में, तो अपॉर्चुनिटी का ही रीट लगवाया गया। और उसमें जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पीएस रविशंकर ने बताया हाईकोर्ट को, उसके जवाब जो बीएसपी के द्वारा दी गई सर, उसमें जो एमडी का पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसमें लिखा हुआ है सर, इसमें कुछ दस्तावेज हम लोगों ने सबमिट नहीं किया सर, करना है अभी। इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे पैरा नंबर 101 में लिखा है, पीएस रविशंकर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर फॉर। अच्छा, ये तो पहले आपकी पॉलिसी क्या थी भिलाई स्टील के प्लांट की? सर पॉलिसी ये थी। कहाँ है पॉलिसी, का है बताइए? पॉलिसी सर डब्ल्यूपी उसमें लगा हुआ है। तो फिर इसमें केवल सर वकील साहब पॉलिसी क्यों नहीं है, हम वही तो पूछ रहे हैं भाई आपकी। जी लगा देंगे सर। और उस ये बताइए, डब्ल्यूपीएस में कुछ भी उन्होंने एफिडेविट दिया, उसकी कंप्लेंट कैसे बनेगी? हमने वहाँ पे पिक्चर की स्टोरी लिखी जी सर, ये हमारा लुकआउट था जी, ठीक है, एम्प्लॉयर का था, जिसने लिखा था लिख दिया जी। आपने बाद में उस आदमी ने सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर ली केस जी, आप वो व्यक्ति नहीं हो, हमने आप पक्षकार भी नहीं हो। नहीं सर, जानकारी नहीं हुई हमको। अरे ये वही तो पूछ रहे हैं हम, आप उसमें पक्षकार भी नहीं हो। यस सर। तो आपको परिवाद कैसे प्रस्तुत करोगे, आपको वही तो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि सर हमको क्षति नहीं, हमारी भर्ती रोकी गई। आप अपने लिए नई पिटीशन फाइल करो, उस जो अंडरटेकिंग थी उसको फाइल करते हुए नई पिटीशन फाइल करना था हाईकोर्ट में। क्रिमिनल केस क्यों होगा? 2010 में जानकारी हुई। अरे भाई पहले ये बताओ, उस केस में आप पक्षकार नहीं थे तो उसमें आपके साथ कैसे धोखाधड़ी दिया उसका पहले कानून बताइए। यही बताना चाहता हूं। उसमें TA/TOT करके जिन्होंने हाईकोर्ट को जो जानकारी दी सर, उसमें जो पीएस रविशंकर चीफ लॉ ऑफिसर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर फॉरेन बिहाफ मैनेजिंग डायरेक्टर सेल, ये सर इनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें दस्तावेज नहीं था। उसमें सर अनेकों हमने सूचना का अधिकार लगाया, केंद्रीय सूचना आयोग तक गए हम, और उसमें ये बोला, उसमें यहाँ बताया कि हमारे पास ये पावर ऑफ अटॉर्नी का दस्तावेज नहीं है। प्लस सर इसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर सुनंदा ढेंगे का रिपोर्ट लगा हुआ है सर, उसके जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पीएस रविशंकर है उसमें एफिडेविट लगाया जा रहा है सीजा पी मैथ्यू और संतोष कुमार करके बीएसपी के अधिकारी हैं। हाँ? जो कि सर बिना अथराइज नहीं था वो। आपको शायद मिस्टर सिंह, यू डोंट नो दी लॉ, आप लोगों ने टाइम पूरा वेस्ट कर दिया। यस सर, कोई मतलब का केस नहीं है ये। ना तो आपको भिलाई स्टील प्लांट का कानून मालूम है, ना आपकी ये अप्रेंटिसशिप की जो
कानून पैदे हैं। मान लीजिए उन्होंने गलत एफिडेविट दिया, तो क्या उस अधिकार पे जो नियुक्तियां हुई है उसको चुनौती करने का, चैलेंज करने का अधिकार आपको है? यस सर। उसको चैलेंज किया आपने? हमने किया है सर। उसमें क्या हुआ? अभी चलो पेंडिंग में। तो सीजीआईटी में आप हार गए केस? सीजीआईटी में तो नो वर्कमैन करके लगाया गया था सर वहाँ पे। हाई कोर्ट में केस चल रहा है? यस सर। वो कौन सी पिटीशन है? डब्ल्यूपीएस है सर। तो डब्ल्यूपीएस में उसमें केस को कंट्रोल करो जी। इसमें कोई मतलब नहीं, आपका कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। ये सिर्फ आप, ये और कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? दो ही लोग हैं क्या? नहीं सर, और भी लड़के। हाँ, तो ये नेतागिरी का आइटम है मतलब? नहीं, नेतागिरी। अरे समझ गए, आपकी लोकस स्टैंडिंग क्या है पहले ये बता दो। उस व्यक्ति को जिसने पिटीशन विड्रॉ कर लिया, तो वो आदमी अगर नहीं आया न्यायालय, आप कैसे इस पिटीशन को फाइल कर सकते हो? कैसा आपका परिवार? उसका न्यायालय, दूर न्यायालय में बयान हुआ है सर। अरे बयान व्यान से मतलब नहीं है, आप ये बताओ कानून बताइए, लिखो भाई, बहुत देर सुन ली इनको, जबरदस्ती का फालतू का वेस्टेज ऑफ टाइम है ये सब। कॉस्ट लगा डिसमिस करूंगा मैं सर ये। हाँ, हमारे तीन प्रश्न का जवाब दे दीजिए जी सर। तीन प्रश्न का जवाब बस दे दीजिए हमारे। क्या चीज सर? पहला लिखो, हिंदी में लिखा है? हिंदी समझेगी कि अंग्रेजी समझेगी? हिंदी, हिंदी सर। लिखो, हिंदी लिख लो भाई, डिटेल में लिखा है ना। अच्छा सर, लिखो इंग्लिश लिखो जी। दी कंप्लेनर इज डायरेक्टेड, पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू टू प्रेमापर इज सजेस्ट टू टू मेक सबमिशन वेदर दी पिटिशनर हैज अ लोकल स्टैंडिंग टू फाइल दी कंप्लेंट बिफोर दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और नॉट। The record of the case would show that the petitioner was not the party before any dispute, any writ petition before this court. कौन था वो जिसकी डेथ हो गई है? श्रीलाल पढ़ते हैं? श्रीलाल पढ़ते हैं? श्रीलाल पढ़ते? यस सर। पटले? पढ़ते, पढ़ते, पढ़ते। वन श्रीलाल पत्रे has filed writ petition where in certain affidavits were filed. According to the petitioner, the wrong affidavit and unauthorized person has filed the affidavit. The council, when this court put a specific query to the council, when whether the Mr. Patre is party to the case or not, he would submit that he expired and he is not party, even he was not party before the in the complaint also. Therefore, this court put a specific query to the council, to the petitioner in person, whether what is the local standing of the petitioner to file complaint when what is the locus standi to file the complaint before the judicial magistrate first class? Let this factual matrix and the petitioner has also made a submission before this court that he has already challenged the appointment of the person by filing writ petition which is also pending before this court. Therefore, whether the present complaint which was filed before the magistrate first class is maintainable or not. Let this factual matrix and legal submission be made on the next date of hearing. In the meanwhile, the respondent shall also file affidavit.